मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्ग, अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल। तो वर्ग में क्या पढ़ा था हमने, 5 का स्क्वायर, जैसे ये कोई भी संख्या हमने ले ली है यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया यानी 5 का वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर मतलब वर्ग 25। और अगर हम कहें कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर करने के बाद, जो वर्ग बनने के बाद जो संख्या आती है उसका वर्गमूल वो खुद संख्या होती है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 6 का स्क्वायर किया यानी 6 का हमने यहाँ वर्ग कर दिया। ठीक है, 6 का हमने यहाँ वर्ग किया। वर्ग का साइन ये होता है, अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम कहें 36 का वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल का साइन ये होता है, इसको बोलते हैं वर्गमूल यानी रूट बोलते हैं। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके,